हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल ट्यूटोरियल प्लैनेट में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बोला था कि सर 50 मार्क्स इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव डालिए, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं इस वीडियो में जहाँ तक तो हो सकता है 50, 60, 70, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे एक तरफ से चैप्टर वाइज। तो चलिए देखते हैं। पहला लेसन है आवर ओन सिविलाइजेशन। ये किनके द्वारा लिखा गया है, पहला क्वेश्चन है। ये लिखा है CEM जोड के द्वारा, ठीक है। पेंड बाय, पेन पेन मतलब क्या होता है, लिखना, ठीक है। पेंड मतलब लिखा गया। दूसरा क्वेश्चन है एक्स्ट्रा लिम्ब्स। लिम्ब्स मतलब होता है अंग, ठीक है। तो अतिरिक्त एक्स्ट्रा लिम्ब्स विच मैन हैव मेड फॉर हेल्प इन दियर डे टू डे लाइफ। लोगों ने, मनुष्यों ने अपने डे टू डे लाइफ में अपने कौन से अंग का निर्माण किया है जो उसे मदद करे, प्रत्येक दिन उन्हें मदद करे मनुष्यों को, तो वो है मशीन्स। मनुष्यों ने मशीन का निर्माण किया, ठीक है। अगला चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रीवियस सिविलाइजेशंस वेयर स्पेशलाइज्ड। पुरानी सभ्यता जो थी वो क्या थी, स्पेशलाइज्ड थी, ठीक है, विशिष्ट थी और क्या थी, लिमिटेड थी, ठीक है। पुरानी सभ्यता जो थी वो लिमिटेड थी, लेकिन आज कल की जो सभ्यता है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है मॉडर्न मैन कम्प्लीटली रियलाइज। आजकल का जो इंसान है वो पूरी तरह किस पर निर्भर है, तो वह मशीन पर निर्भर है। मशीन अगर नहीं रहे तो इंसान अपना सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसके बाद है द ऑथर ऑफ आवर सिविलाइजेशन लिव्स इन, यहाँ के जो ये लेसन के जो ऑथर है वो कहाँ पे रहते हैं, तो वो रहते हैं लंदन में। उसके बाद है क्वेश्चन छठा, द मशीन्स विच आर हेल्पफुल टू मैन वाट एवर इट मे बी वर्क बाई मीन्स ऑफ। मशीन जो मनुष्यों को मदद करता है, मनुष्यों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, वो किस से चलता है, तो वो चलता है मीन्स ऑफ पावर, ठीक है। पावर का जो साधन है, शक्ति का जो साधन है, उससे चलता है। सातवां क्वेश्चन है वी वेयर स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड। वाट वेयर स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड, क्या स्पेशलाइज्ड और लिमिटेड था, तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 से। प्रीवियस सिविलाइजेशन वेयर स्पेशलाइज्ड एंड लिमिटेड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीवियस सिविलाइजेशन। उसके बाद है क्वेश्चन CEM जोड ब्यूटीफुली एंड इंटेलिजेंटली एक्सप्लेन्स हिज एसे आवर ओन सिविलाइजेशन द डिस्टिंक्शन फीचर ऑफ। इस लेसन में CEM जोड ने बहुत ही सुंदरता से और चतुराई से किस चीज़ के बारे में, आवर ओन सिविलाइजेशन में किस की विशेषता के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। तो उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन की विशेषता के बारे में वर्णन किया है। नौवां क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट डेंजर फ्रॉम पॉलिटिकल डिविजन्स, ठीक है। पॉलिटिकल डिविजन से ग्रेटेस्ट डेंजर क्या है, डिविजन मतलब होता है विभाजन, राजनीतिक विभाजन से सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो वो है वार का, युद्ध का। दसवां है चीफ होप फॉर प्रिवेंटिंग वार्स, युद्धों को रोकने के लिए मुख्य आशा कौन है, तो मुख्य आशा है वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट ही युद्धों को रोक सकती है, ठीक। चलिए अब चलते हैं अगले, उसके बाद आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, चाहे वो किसी क्लास के हों, ठीक है, उत्साह बढ़ता है इससे। तो अगला क्वेश्चन है दूसरे लेसन का है, जिस लेसन का नाम है विद द फोटोग्राफर। इनके राइटर हैं स्टीफन ली लॉक। स्पेलिंग पे ध्यान देना है, LELOC के, दो का सी होगा आंसर, ठीक है, स्टीफन ली लॉक, ठीक। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जब वो स्टीफन ली लॉक राइटर जो है, जब वो अपना फ़ोटो खिंचवाने के लिए गए थे, तो उन्होंने जब फोटोग्राफर को देखा तो वो फोटोग्राफर क्या था, कैसा था, तो दुबला पतला सा था, ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि द थिन मैन, पतला आदमी, इन अ ग्रे सूट विन द डिम आइज, धुंधली सी आंखें, ऑफ ए नेचुरल साइंटिस्ट वाज, मतलब एक नेचुरल साइंटिस्ट जो होता है उसकी तरह कौन दिख रहा था, तो वो फोटोग्राफर था। विद द फोटोग्राफर इज रिटन बाय स्टीफन ली लॉक। तीसरा क्वेश्चन है द ऑथर वांटेड ए फेथफुल कॉपी ऑफ हिज फेस एंड द पर्पस ऑफ द फोटोग्राफ वाज वेस्टेड। वे ऑथर क्या चाहते थे, उन्होंने क्या चाहा, उनका जो फोटोग्राफ का जो पर्पस था वो बेकार हो गया। वो चाहते थे कि उनके फेस का
एक फेथफुल कॉपी, जैसा उनका फेस है वैसा ही एक वो कॉपी चाहते थे, ठीक है, फोटो चाहते थे। इसका आंसर होगा वेस्टेड, 3 का B। चौथा है द फोटोग्राफर्स लुक। फोटोग्राफर जो था उसका लुक कैसा था? कोल्ड था, कोल्ड मतलब निर्दयी, ठीक है, उदासीन, ठीक है। अगला है, 5वां क्वेश्चन है द फोटोग्राफर लेट द ऑथर वेट फॉर। फोटोग्राफर ने ऑथर को कितने घंटे वेट करवाया? तो 1 घंटे। 6वां क्वेश्चन है इन द स्टूडियो, स्टूडियो में ए बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू, सनलाइट का एक बीम, ठीक है, मतलब सूरज की किरण कहाँ से आ रही थी? ए शीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन, ठीक है, तो फैक्ट्री कॉटन के शीट से वो आ रही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द फोटोग्राफर कमेंटेड अबाउट द ऑथर्स फेस। फोटोग्राफर ने लेखक के फेस के बारे में क्या कमेंट किया? कि उनका फेस बिल्कुल गलत है, क्वाइट रॉन्ग, ठीक है। 7 का आंसर होगा सी। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन द फोटोग्राफर टुक द ऑथर्स फेस इन हिज हैंड एंड ट्विस्टेड साइड अवे। इसका आंसर होगा डी। फोटोग्राफर ने ऑथर के हेड को पकड़ा और उन्हें पूरा मतलब घुमा दिया, उनके फेस को पकड़ कर फोटो खींचते समय। 9वां है आई कॉट द फीचर्स जस्ट इन अ मोमेंट ऑफ एनिमेशन। और ये बात किसने कही थी और किसके लिए कही थी? किसने कही थी? तो ये बात लेखक का जो फोटोग्राफर था उसने कही थी कि आई कॉट द फीचर्स जस्ट इन ए मोमेंट ऑफ एनिमेशन। मैंने एक मोमेंट में, एनिमेशन के एक मोमेंट में, मैंने एक बहुत सारे विशेषता वाला उसे पकड़ लिया। आई कॉट द फीचर्स, मैंने पाया, कैच मतलब कैप्चर कर लिया, ठीक है, एक विशेषता को। ये बात किसने कही थी? जब उसने लेखक का जो फोटो खींचा ना, तो उनका फेस ही ऐसा था कि वो उन पर हंसी उड़ाते हुए उन्होंने ये बात कहा था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, द ऑथर्स फोटोग्राफर ने ये बात कहा था, लेखक के जो फोटोग्राफर थे उन्होंने, ठीक है। उसके बाद है व्हेन डिड द फोटोग्राफर कॉल द ऑथर टू लेट सी ए प्रूफ ऑफ हिज टेकन फोटोग्राफी। उन्होंने फोटोग्राफी के प्रूफ दिखाने के लिए कब बुलाया? तो सैटरडे को बुलाया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला लेसन है, अब अगले लेसन जिसका नाम है गुड मैनर्स, जो जेसी हिल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उस पे इसमें एक लड़के के बारे में स्टोरी है जो अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझता है, और ठीक है चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला है द एसे गुड मैनर्स इज रिटन बाय जेसी हिल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है इट टेक्स टू टू स्पीक द ट्रूथ, वन टू स्पीक एंड अनदर टू हियर। ये कह किसने कहा ये कि जो उन दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक सच बोलने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। तो ये कहा था थोरो ने। 2 का आंसर होगा बी। तीसरा है ए यंग मैन हु वॉज स्ट्रांग एंड हेल्दी यूज टू इग्नोर ओल्ड एंड वीक पीपल। एक आदमी जो स्ट्रांग था और हेल्दी था वो इग्नोर करता था, किसको? नज़रअंदाज करता था बूढ़े और कमज़ोर लोगों को, ठीक है। तो 3रा का आंसर होगा बी। 4था है हु फेल्ट हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ लाइफ। किसने अपने आप को ज़िंदगी के सबसे ऊंचे शिखर पर पाया? तो ये किसने पाया? द यंग मैन ने, ठीक है, वो जो युवा बंदा था वो। 5वां है वन डे द हेल्दी यंग मैन गॉट एन अटैक। उस हेल्दी यंग मैन को किसका अटैक आया? तो इन्फ्लुएंजा का। 5 का B। 6ठा है आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस द यंग मैन कुड मूव स्लोली। जब वो बीमारी से रिकवर हुआ, मतलब बीमारी उसकी ठीक हुई, तब वो एकदम धीरे धीरे मूव कर सकता था, ठीक है, धीरे से अपने शरीर को हिला डुला सकता था। 7वां है हाउ वॉज द जर्नी, हाउ वॉज द जर्नी ऑफ द यंग मैन आफ्टर हिज इलनेस। उसकी बीमारी के बाद उसकी जर्नी कैसी थी? तो उसकी जर्नी टायरिंग थी, ठीक है, थकावट से भरा हुआ। उसके बाद है इन अ डेंजरस वर्ल्ड बॉयज एंड गर्ल्स आउट टू लर्न दैट दे आर फ्रेजाइल लिटिल थिंग्स। इस डेंजरस खतरनाक संसार में बॉयज़ एंड गर्ल्स को क्या सीखना चाहिए? कि वे लोग मामूली से छोटे से जीव हैं, ठीक है।
नौवा है टेकिंग, आठ का आंसर होगा बी। नौवा है टेकिंग मनी फ्रॉम दोज हु हैव मनी एंड गिविंग इट दोज हु हैव नन मीन्स फॉर सम पीपल, जिसके पास पैसा है उनसे पैसा लेकर जिनके पास पैसा नहीं है उनको पैसा देना। कुछ लोग इस चीज़ को क्या मानते हैं, तो इसे मानते हैं समाजवाद, सोशलिज्म। नौ का आंसर होगा बी। दसवां है व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर्स आर वी ऑन द अर्थ, इस धरती पर हम लोग कैसे क्रिएचर हैं। ठीक है, तो इस धरती पर हम लोग हम्बल एंड स्मॉल, मतलब छोटे और विनम्र क्रिएचर हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा इसके बाद, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो तीन लेसन तक हो गया, और कुछ जो लेसन बाकी है बहुत ही जल्द एक से दो दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, और इसे शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।